टीवी सीरियल अनुपमा में शाह परिवार के हर एक सदस्य को पाखी और अधिक का राज पता चल गया है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसे में पाखी अपने फैसले से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही है और अपनी सारी हदें पार करते हुए जैसे तैसे करके सिर्फ अधिक को पाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अपने परिवार के खिलाफ पाखी ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिससे सभी को जोर का झटका लगने वाला है और पूरे शाह परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलने वाली है। तो आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है शो में और ऐसा कदम पाखी ने उठाया है, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। पर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जी हाँ, इन दिनों सीरियल अनुपमा में पाखी और अधिक के लव एंगल की स्टोरी दिखाई जा रही है, जो एक दूसरे के प्यार में पागल होकर सिर्फ एक होना चाहते हैं। मगर शाह परिवार कभी भी अधिक को अपने घर का जमाई नहीं बनाना चाहता है, क्योंकि वो अधिक की रग रग से वाकिफ है कि अधिक के इरादे कुछ नेक नहीं है। जिसके चलते अब सीरियल की आगे की कहानी में वनराज अपनी बेटी पाखी और अधिक को रंगे हाथ मिलते हुए पकड़ने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे कपाड़िया परिवार के सामने अधिक की इंसल्ट करने पर पाखी अपनी फैमिली के खिलाफ जाती हुई जोर से चिल्लाकर ये कहने वाली है कि अगर शाह हाउस में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल सकते हैं, 50 साल की उम्र में शादी हो सकती है, तो मुझे भी इस उम्र में प्यार करने का पूरा हक है। बेटी के मुंह से ये सब सुनकर अब पूरे परिवार के मुंह पर ताला लगने वाला है और अब तो अधिक से वीडियो कॉल पर बात करते समय पाखी को अधिक भड़काते हुए ये कहने वाले हैं कि अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे, हम अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद ले सकते हैं, जिसके लिए हमें अपने पेरेंट्स से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अधिक के इस भड़कावे में आकर अब पाखी अपने भरोसेमंद अधिक से गुपचुप शादी करने का बड़ा फैसला लेने वाली है, ताकि इसके बाद कोई इन्हें अलग नहीं कर पाए। वेल दोस्तों, क्या पाखी की जिद अब शाह परिवार को मान लेनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।